जय हिंद। मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसरावलियाँ। बेटा आवाज़ देखते हैं, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। टर्मिनल विभवांतर को हम भी से प्रदर्शित करें, विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शन दें और आंतरिक जो प्रतिरोध होता है उसको स्मॉल आर से प्रदर्शन देते हैं और चालक तार बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से प्रदर्शन दिया जाता है। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ पर समझ लेंगे कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर जब सेल धारा दे रहा होता है तो उसके विभव का मान कुछ घट जाता है। मतलब क्या है समझिए, मान लीजिए कि हमने एक सेल बनाया जिसका विभव है 40 वोल्ट। ठीक है, एक हमने सेल बनाया जो विभव कितना है 40 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही इससे धारा लिया जाएगा तो धारा लेते समय इस V का मान घट करके ये घट जाएगा। V का मान क्या होगा, घटेगा, घट करके यह V या तो जो है ये 39 हो सकता है, 38 हो सकता है या 37 हो सकता है, माने कुछ कम हो जाएगा, इतना कुछ वोल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही धारा दिया जाता है तो इस भी के मान में कमी हो जाती है, तो ऐसे ही विभव को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्लियर हो गया, सेल का विद्युत वाहक तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो आवेश को प्रवाहित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य सेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए, जब सेल बनाया जाता है तो उसमें दो छड़ें होती हैं जो द्रव के अंदर डूबी होती हैं। जो द्रव होता है उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। ठीक है, और जो छड़ हम डालते हैं उसे प्लेट कहते हैं या इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक गुण हो जाता है घोल के अंदर डुबाने पर। तो अगर सेल के अंदर, सेल क्या पहले समझ लीजिए, सेल क्या है, एटा दो छड़ होगा। ठीक है, इसके अंदर घोल होगा, इस घोल के अंदर जैसे डुबाया जाता है तो इसका एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक, यानी एक सिरे पर धन आवेश चार्ज होने लगता है जबकि दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लगता है, और धन वाले को हम एनोड कहते हैं जबकि ऋण वाले को कैथोड कहते हैं, और जो छड़ होता है इसको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य घोल के अंदर जब दो छड़ को हम डाल देते हैं तो एक छड़ पर धन आवेश घोल के अंदर ही खूबी होती है। ठीक है, तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 वाला घोल हो सकता है या AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल हो सकता है। ऐसा अगर घोल ले करके हम जो है दो छड़ को डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक इस छड़ के ऊपर एक धन आवेश इकट्ठा होने लग जाता है जबकि दूसरे छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होने लग जाता है। ठीक है, आज जैसे ही चालक तार से अगर हम जोड़ देते हैं तो धारा का प्रवाह होने लगता है। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलते हैं जबकि धारा की दिशा क्या होती है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। तो ये जो धारा होगा, याद रखिएगा, धारा जो आई होगा वो धन प्लेट से किधर चलेगा, ऋण प्लेट की तरफ चलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन माने आवेश जो होगा वो किधर से चलेगा, ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। आइए समझ लें, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक तार आवेश को प्रवाहित होने में अवरोध उत्पन्न करता है, सही से नहीं चलने देता है, उसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन अगर इसे घोल की बात करें, जिस सेल को हम बनाए हैं, लिक्विड को बनाए हैं, इसके अंदर उल्टी प्रक्रिया होती है। अब इसमें धारा किधर से किधर चल रहा है, तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ चल रहा है, इसके अंदर उल्टा होता है या ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ चलता है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा होता है, धारा की दिशा ऐसे हो जाती है, अब इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे हो जाती है, उल्टी हो जाती है, जो ऊपर की प्रक्रिया होती है नीचे उलट जाता है। अब जरा समझिए, तो जैसे चालक तार
प्रतिरोध लगाता है, आवेश को जाने नहीं देता है, घोल भी जो है वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घोल को घोल में नहीं जाने देता है आवेश को, तो इस स्थिति में इस घोल के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उस प्रतिरोध को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और यह प्रतिरोध क्या कहलाता है, स्मॉल आर से प्रदर्शन होता है, जबकि जो बाहर वाला प्रतिरोध होता है इसका, इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शन देते हैं। ठीक है, अब आइए विचार करते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इनका संबंध क्या होता है। बेटा यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को आप ध्यान से समझें। यहाँ एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है, इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी है और इसमें बाहर एक बाह्य प्रतिरोध लगाया गया है कुंजी की सहायता से और एम्पियर की सहायता से। एम्पियर जो है धारा को मापने का काम करता है, जैसे सेल धारा देना शुरू करेगा हम इससे नाप करके देख सकते हैं कि कितने एम्पियर की धारा बह रही है। कुंजी को हम बंद करेंगे धारा चलेगी, याद रखिएगा कभी अगर इस बिंदु को हटा दिया जाए तो धारा जो है नहीं चलता है। अभी फिगर गलत हो गया है, ध्यान से समझिएगा, मार्के की बात समझिएगा। अगर इस बिंदु को हम हटा दें, बंद बिंदु नहीं है, बिंदु हट जाएगा तो ये फिगर ही पूरा गलत हो गया। तो पूछे क्यों, अतः धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह कब होगा, जब हम कुंजी को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो अब ये पूरा का पूरा फिगर आपका क्लियर हो चुका है। आइए अब बात करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है। शॉर्ट में जानेंगे ये तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखें। परिपथ का कुल प्रतिरोध, आप बताइए क्या होगा, कुल प्रतिरोध की बात है। तो बाह्य प्रतिरोध है और आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध जब होता है बच्चा, इसको हम घेर करके डाट के भीतर दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। सेल जब धारा दे रहा होता है तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उस आंतरिक प्रतिरोध को हम घेर करके अंदर की तरफ दिखाते हैं, इसके सेल के विद्युत वाहक बल को, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध को ऐसे दिखाया जाता है। चलिए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आर है, ये कुल प्रतिरोध हो गया इतना ओम, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध हमको पता चल गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सेल का कुल धारा, माने अब समझिए, पहले तो भी जान लीजिए ओम का नियम, ओम का नियम बाद में लगाते हैं, पहले इसे समझ लीजिए। परिपथ का कुल धारा, परिपथ का कुल धारा, अब कुल धारा क्या होगा तो समझिए, तो कुल विद्युत वाहक बल, सेल का कुल विद्युत वाहक बल, ठीक, बटा में कुल प्रतिरोध, अच्छा तो धारा को हम कैसे प्रदर्शित करें, आई से। सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया, ई। कुल प्रतिरोध क्या होगा, आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस समीकरण की सहायता से अगर हमें सेल का विद्युत वाहक बल पता हो, आंतरिक प्रतिरोध पता हो, बाह्य प्रतिरोध पता हो, तो हम पता कर सकते हैं कि उसके कुल परिपथ में कुल कितनी धारा बह रही है। तो इसमें इस सूत्र की सहायता से हम इतने एम्पियर की धारा को जान सकते हैं। पहला कंडीशन क्लियर हो गया आपका, ठीक है बेटा। अब अगर हम इसको ऐसे गुणा करें, या ऐसे ओम का नियम ले लेते हैं, अब ओम के नियम से, ओम का क्या नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है, ओम का नियम। तो किसी चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसको अनुक्रमानुपाती को अगर हम हटाएं तो एक नियतांक देते हैं, अच्छा, और इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं, और यही जो है इसका प्रतिरोध होता है, ठीक है।
तो इसको हम ऐसे जानेंगे। तो अगर हम धारा की ही बात करें तो क्या होगा, तो ये भी बटा में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई होता है। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, नियतांक डालेंगे और ये भी इक्वल टू आर इंटू आई होगा। इसी आर को हम चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। हम धारा जानना चाहते हैं तो धारा आई बराबर क्या होगा, भी बटा में आर। ठीक है, अब इस आई की जगह पर हम भी बटा आर अब लिख सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर बात ये समझना है कि इसमें कह रहे हो कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो मान लो बच्चा कि अगर कोई चालक तार में धारा बह रही है, ठीक है, तो चालक तार की लंबाई न घटाओ न बढ़ाओ, पहला कंडीशन। दूसरा, चालक तार की मोटाई को न बढ़ाओ न घटाओ, ठीक है, और साथ में ताप के ऊपर भी विचार करना होगा कि जिस ताप में तुम रखे हो उसी ताप में रहना चाहिए। अगर वही ताप है, वही लंबाई है, वही चालक तार की मोटाई है, तो याद रखना इस स्थिति में जब हम धारा बहवाते हैं तो यह धारा जो होती है भी अनुक्रमानुपाती किसके होती है, आई के होती है। अच्छा, अब जरा बताइए, इसका एक नाम हम दे देते हैं और यह समीकरण नंबर क्या है, एक है। क्या हम आई के जगह पर अब क्या भी बटा आर हम नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या होगा, आगे की तरफ समझते हैं इसको। तो बेटा आई के जगह पर अब हम लिख सकते हैं, तो समीकरण, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दो, ठीक है। समीकरण नंबर दो का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण दो का मान किस में, समीकरण एक में, ठीक है, अगर रखते हो तो क्या होगा। आई की जगह पर भी बटा आर लिखोगे, ठीक है, ई बटा में क्या लिखोगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक, इतना हो जाएगा। अगर हम इसी को जानना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले तिरे गुणा कर लीजिए इसको, इसका इसमें और इसका इसमें, तो भी गुणा करें हम आर प्लस क्या होगा, कैपिटल आर, और इसका क्या मान होगा, ई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको आर प्लस, आर प्लस कैपिटल आर बराबर करें तो क्या होगा, तो ई इंटू आर बटा में क्या होगा, भी। अगर हम आंतरिक प्रतिरोध को जानना चाहते हैं तो क्या होगा, तो समझिए बेटा, ये आंतरिक जो प्रतिरोध होगा आपका वो क्या होगा, तो समझिए, इसको हम ले जाकर के प्लस से माइनस बदल जाएगा, तो क्या होगा, ई इंटू आर बटा में भी माइनस क्या होगा, आर। कुछ मैंने नहीं किया है, ये धन है ना, उसको दाहिने तरफ ले करके जाओगे प्लस से, तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम अगर लेते हो तो एलसीएम इसका क्या होगा, भी होगा, तो ये क्या होगा, ई इंटू आर, ठीक है, और ये क्या होगा, भी इंटू आर होगा, ठीक है, एलसीएम ले लिए, बटाई कर लेते हैं, अच्छा भी से गुणा हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो अब क्या होगा, अब समझिए, या फिर इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। एकटा आंतरिक प्रतिरोध हम इस सूत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, इसमें से आर कामन भी ले सकते हैं, या करके इस्माल आर बराबर, दोनों में आर है, आर कामन ले लीजिए, तो क्या होगा बताइए, ई बटा में भी, ई बटा में भी, अब माइनस क्या होगा, वन। ऐसे हम इसको रखें और इसका समीकरण का नंबर दे दें, कितना तक हम लोग आए थे, दो आए थे, तीन कर दीजिए। देखिए, इस समीकरण नंबर तीन की सहायता से हम किसी परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध के मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये मान तब ज्ञात होगा जब उसका बाह्य प्रतिरोध आपको पता हो, सेल का विद्युत वाहक बल पता हो, विभवांतर पता हो। तो इस सूत्र की सहायता से किसी परिपथ यानी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इतना। अब हम आगे बताना चाहते हैं जो असली संबंध है जिसके लिए आप लेकर के आए हो, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध का संबंध, तो अब हम उसको देखेंगे, अब संबंध को निकालेंगे। तो जो असली संबंध है बेटा, अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। समीकरण एक से,
समीकरण किससे? एक से। अच्छा, समीकरण एक क्या था? तो ध्यान दीजिए, I बराबर सेल का कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल आंतरिक प्रतिरोध था। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम गुणा कर दें तिर्यक तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, E बराबर ये क्या होगा? I इंटू आर होगा, आ प्लस क्या होगा? I इंटू कैपिटल R होगा। लेकिन ओम के नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं? भी इक्वल टू आई इंटू आर या आर इंटू आई, जो लिखे थे पीछे वही से जाने हो, आर इंटू क्या होगा? आई। ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? भी लिख सकते हैं। तो ई बराबर आई इंटू आर प्लस क्या होगा? भी हो जाएगा। इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो बेटा? भी लिख सकते हो। अब देखो, एक तो सेल का विद्युत वाहक बल जानना चाहते हो तो इस सूत्र की सहायता से जाना जा सकता है। समीकरण नंबर इसको हम ले लेते हैं बेटा चार, ले सकते हैं। ठीक है, चार की सहायता से अब हम सेल के विद्युत वाहक बल को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। अब आगे हम ले लेते हैं, अब थोड़ा टॉपिक है इसलिए दाहिने तरफ लिख देते हैं बेटा। अगर हम इस भी को यहीं पर रहने दें तो भी वहीं रह गया, तो पहले से है यहाँ पर ई, और इसको हम पक्षांतर करें तो आई इंटू क्या होगा? स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सूत्र अभी आया है और ये समीकरण जो नंबर पाँच आया बेटा, यही आपका सेल का क्या है, या सेल का टर्मिनल विभवांतर भी, विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर का संबंध सूत्र है, और यही हमको जानना था। ठीक है, तो इस सूत्र की यहाँ पर हमने जो बताया कि कुल इसका प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ में कुल बहने वाली धारा क्या होगी, ठीक है, और फिर सेल का टर्मिनल विभवांतर भी और विद्युत वाहक वाली तथा आंतरिक प्रतिरोध का संबंध सूत्र क्या होगा, तो पांचवा जो आया है बच्चा यही है आपका संबंध सूत्र। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम जो है इनके मानों को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इनका संबंध सूत्र यही होता है। ठीक है, बस आज इतना ही। किसी तरह का कोई दिक्कत हो आप जो है मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, या न्यूमेरिकल हो, या थ्योरेटिकल हो, किसी के लिए आप जो है कभी भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर हमारा क्लिक होता रहता है। जय हिंद।